इसको क्या एक्सप्लेन किया कमिश्नर ने बताइएगा, बस यही पढ़वाना चाहता था मैं आपसे। क्या एक्सप्लेन किया कमिश्नर ने, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द तहसीलदार टू डिक्लेयर अ कैंडिडेट फेल? कॉल योर कमिश्नर, ही विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द तहसीलदार टू डिक्लेयर अ कैंडिडेट फेल एज इज मेंशन इन द रिप्लाई फाइल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। गलत लिख गया साहब, गलत लिखा है तो उसके लिए क्या किया आपने? कमिश्नर ने कहा माफी मांगी है, बोलिए लिखाइए वो लाइन कि गलत लिखा है। ऐसा कहाँ लिखा उसने कि गलत लिख गया है, माफी चाहते हैं, नहीं तो हम कंटेम्प्ट ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास तो एक बहुत आसान रास्ता है, कितनी बार हमारा रोस्टर बदलवाएंगे, आप लोग जाके करवा लेते हैं वो काम बहुत सुविधा से, एक बार फिर करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई एम कंफर्टेबल इन ऑल ऑल द फील्ड्स ऑफ लॉ एंड आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस, यू कैन टेस्ट मी इन एनी फील्ड ऑफ लॉ। हम आपसे सख्ती दिखाते हैं, आप हमारा रोस्टर बदलवा देते हैं, आप हमसे फाइल निकलवा लेते हैं, फाइल कहीं और लगवा देते हैं, सारी टेक्टिक्स तो की जाती है। मेरी प्रार्थना साहब ये है कि कोई भी सर्कुलर और कोई भी कानून साहब बहुत लक्षी रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं होगा। सुनने देना, इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं आपकी क्वेरी, हाँ बताइए बताइएगा बताइए, पहले क्वेरी क्या थी वो देख लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने जो एफिडेविट दिया था उसका क्या अर्थ निकलता, थोड़ा पहले तो समझा दें हमें। वर्मा जी आपसे पूछ रहे हैं जी साहब, उसका क्या अर्थ निकलता? हमने हमारा ऑर्डर शीट ये द रिप्लाई विच हैज बीन फाइल्ड बाय वन श्री पीपी सिंह सन ऑफ श्री ए सिंह पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कटनी इज अ वेस्ट पेपर, इट डज नॉट मेक एनी सेंस एंड डज नॉट कम्युनिकेट एनी सेंस दैट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। पहले तो कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दैट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, व्हाट इज द केस ऑफ द पिटिशनर्स एंड व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। पहले तो ये बताएं कि ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने जवाब में क्या लिखा है, सो समझाएं तो हमको। कमिश्नर साहब को समझ में आया नहीं आया? वो आके इसीलिए एडिशनल रिप्लाई दी। नहीं नहीं एडिशनल रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी, आपने कब परमिशन ली एडिशनल रिप्लाई देने के लिए? एफिडेविट के एफिडेविट ही तो मांगा था आपसे, एडिशनल रिप्लाई तो मांगा नहीं था। एफिडेविट वो नहीं कहा कमिश्नर आप? हाँ वो पढ़ेंगे अभी, पहले तो ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने क्या दिया था। कमिश्नर साहब की समझ में आया? जी सर, वो एक्सप्लेन करें पहले, पहले वाला रिप्लाई देख लें साहब। हाँ पहला वाला रिप्लाई देखें ना, 16359 पढ़िएगा जी सर। मैं अनुमति पैरा 3 से पढ़ना चाहता हूँ सर। डिक्लेयर्ड फेल्ड कैसे हो गया ये? तहसीलदार साहब ने फेल कैसे कर दिया? तहसीलदार साहब की क्या अथॉरिटी थी? थोड़ा सा प्लीज इसको एक्सप्लेन करते चलिएगा जरा। वो EWS का सर्टिफिकेट, वो EWS का सर्टिफिकेट क्या पाया गया? वो प्रॉपर नहीं पाया तो उसके तो EWS का सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं पाया जाएगा तो फेल कर दिया जाएगा, उस कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा समझाएं तो हमको। इसीलिए तो हमने पूछा था आपके कमिश्नर साहब से। ये गलत लिखा क्या? क्या पूरा नहीं, पूरा का पूरा काम स्टेनोग्राफर्स के ऊपर आजकल छोड़ा हुआ है क्या? एजी साहब को बुलवाएं क्या, समझाएंगे वो थोड़ा सा साहब, वो कि उनका कितना कंट्रोल है आपके ऑफिस के ऊपर। लास्ट वीक की गवर्नमेंट एडवोकेट सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लास्ट वीक साहब ने आदेश दिया था, उसके बाद कहाँ है आपके एडवोकेट जनरल, बुलाइए। नहीं आपके आदेश का पालन हो गया साहब, अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है सिस्टम साहब। लास्ट वीक माय लॉर्ड, एहसान किया आपने हमारे ऊपर बहुत। नहीं माय लॉर्ड, दिस इज द लेवल ऑफ असिस्टेंस व्हिच वी गेट फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर एजी नहीं आ सकते तो हम चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर बोलते हैं कि नहीं, मैं बुला लेता हूं एजी साहब को, पर मेरी प्रार्थना थी कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग माय लॉर्ड है। किस तरीके से बनाया है ये आप लोगों ने रिप्लाई, इसको क्या एक्सप्लेन किया कमिश्नर ने बताइएगा जी सर, बस यही पढ़वाना चाहता था मैं आपसे। क्या एक्सप्लेन किया कमिश्नर ने, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द तहसीलदार टू डिक्लेयर अ कैंडिडेट फेल? This is the precise question which you are required to answer, where he has answered that question in the affidavit. Call your commissioner then. Call your commissioner. He will explain that what is the authority of the tehsildar to declare a candidate fail as is mentioned in the reply filed by the district education officer. गलत लिख गया साहब, गलत लिखा है तो उसके लिए क्या किया आपने? कमिश्नर ने कहा माफी मांगी है, बोलिए लिखाइए वो लाइन कि गलत लिखा है। ऐसा कहाँ लिखा उसने कि गलत लिख गया है, माफी चाहते हैं, नहीं तो हम कंटेम्प्ट ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास तो एक बहुत आसान रास्ता है, आप कितनी बार हमारा रोस्टर बदलवाएंगे, आप लोग जाके करवा लेते हैं वो काम बहुत सुविधा से, एक बार फिर करवा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई एम कंफर्टेबल इन ऑल ऑल द फील्ड्स ऑफ लॉ एंड आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस, यू कैन टेस्ट मी इन एनी फील्ड ऑफ लॉ। मैं इसके रिप्लाई करता हूं, नहीं हम आपसे सख्ती दिखाते हैं, आप हमारा रोस्टर बदलवा देते हैं, आप हमसे फाइल निकलवा लेते हैं, फाइल कहीं और लगवा देते हैं, सारी टेक्टिक्स तो की जाती है। तो फिर इसका उत्तर कहाँ है बताइएगा ना तहसीलदार, इतना सा ही केस है। नहीं साहब, मैं एक जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था, मैं साहब ज्ञान में लाना चाहता, फाइल किया माय लॉर्ड एडिशनल रिप्लाई में,
इन द ईयर ऑफ 2018 माय लॉर्ड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द ईडब्ल्यूएस। अच्छा, ये संविधान संशोधन कब हुआ, ईडब्ल्यूएस का कब आया? चलिए वो देखते हैं। जी साहब, R5 देख लें साहब। नहीं, R5 नहीं, पहले जी साहब, संविधान देखें। संविधान है आपके पास? नहीं है? जी है ना साहब। हाँ, पढ़िएगा कहाँ जुड़ा है वो प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है? नहीं है। वो नहीं, पर ये साहब वही EWS का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है साहब, हाँ, बिल्कुल से पढ़ रहा है। ये नोटिफिकेशन आया है विद एक सेकंड इफेक्ट फ्रॉम 14/1/2019। जी सर। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का प्रावधान आया है 14/1/2019। एडवर्टीजमेंट की डेट क्या है? MP में आया है साहब ये, एमपी में नहीं आता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत में लागू होता है। जम्मू कश्मीर नहीं थे 370 एब्रोगेट होने के पहले कि आपको अलग से प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट। डोंट ट्राई टू टेल मी, नहीं तो लिखना पड़ेगा कि सरकारी वकील कहते हैं कि हम अलग संप्रभु राज्य हैं जिसमें कि भारत का संविधान लागू नहीं होता। नहीं सर ऐसा, हाँ बताइए, अपडेट ऑफ एडवर्टीजमेंट बताइए। पी ये पात्रता परीक्षा हुई थी एनएक्यूआर P1 वन 11/9/18। 11/9/18 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी? 30/9/18। जी सर। ठीक। हाँ जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में साहब जो क्वालिफाई हो गए उनको फिर रिजल्ट कब आया इस परीक्षा का? रिजल्ट कब आया? 28/2/19 है 20 अगस्त 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? चलिए आगे चलें। यस, दैट द आंसरिंग रिस्पोंडेंट सबमिट्स दैट द एडमिटेडली प्रायर टू द रिडक्शन इन द क्वालिफाइंग परसेंटेज बाय नोटिफिकेशन, इतना द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वर 60 एज नोटिफाइड बाय गजट डेटेड 28 जुलाई। जब 28 जुलाई को ईडब्ल्यूएस का प्रावधान ही नहीं था तो फिर ये 28 जुलाई को ये कैसे आ जाएगा? ये वो अंग्रेजी गलत लिख नहीं, गई साहब, अंग्रेजी, अरे अंग्रेजी, कमिश्नर को अंग्रेजी नहीं आती ऐसा लिख के दे दीजिए आप, तो नहीं हम सर शासन को लिख के दे देंगे कि इनको अंग्रेजी नहीं आती है। साहब, मैं नहीं नहीं अरे मेरी अंग्रेजी गलत नहीं, जो लिखा आया है वही पढ़ा जाएगा। सॉरी, जो लिखा है वही पढ़ा जाएगा। हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कमिश्नर को अंग्रेजी नहीं आती। देन आई विल कॉल द कमिश्नर एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विद द आगे पढ़ लें साहब। इंटरेक्ट। नहीं, आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले यहां रुक जाइए, पहले कंप्लीट इट। हाउ कैन देयर बी अ नोटिफिकेशन डेटेड 28 जुलाई 2018 प्रिस्क्राइबिंग सम परसेंटेज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन ऑफ ईडब्ल्यूएस वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 14 जनवरी 2019। ये हो सकता है क्या ऐसा, इनको 18 में ईडब्ल्यूएस का प्रावधान हो सकता है क्या सर? थोड़ा बताइए ना प्लीज। नहीं सर, हाउ इट कैन बी, ये तो संविधान, इनसे पूछ के, संविधान निर्माता लोग या संविधान के संशोधनकर्ता कार्य कर रहे थे, दे आर सबॉर्डिनेट टू द कमिश्नर, ऐसा है क्या?